कह देगी कि बैठ जाओ, ये सीधे लेट जाता है व्यक्ति, सिलेंडर कर दिया है ना। सच्चाई तो यह है कि नाक कटवा दिया है, पूरे समाज का नाक कटवा दिया। ये बताइए, ये कोई तरीका है जिस तरह का वो संस्कार सिखा रही है? शायद आप लोग देखे होंगे कि कह रही है कि इनके कार्यकर्ताओं में संस्कार नहीं है। हमारे लोगों से सीखिए, आपके लोगों से क्या सीखे संस्कार? तो वहां देखिए कि धर्मेंद्र तीन तीन बार का सांसद, उनका नाती है, क्या नाम है, तेज प्रताप, वो लोग पैर छू रहे हैं मायावती जी का, डिंपल पैर छू रही है, उसका भतीजा कल का है वो, और वो नमस्ते कर रहा नेताजी को, शर्म आनी चाहिए। मैंने कहा सिलेंडर कर दिया है, इससे बहुत ज्यादा हम लोगों को शर्म ना कर। क्या क्या मानते हैं कि समाजवादी पार्टी इस दौर में जो है वजूद की अपनी लड़ाई लड़ रही है? ऐसा है, पहले ही नेताजी ने, मुलायम सिंह यादव ने जी ने कह दिया, लड़ने से पहले हम हार चुके हैं, सच्चाई तो यह है। और गठबंधन का वो पोजीशन होगा, आप देखें चौधरी चरण सिंह जी के लड़कों का क्या हालात हुई है आज, ये बताइए, बेटा भी पैदल है, बाप भी पैदल है, जिनका नाम था जो प्राइम मिनिस्टर थे, वो हाल अखिलेश यादव का होने वाला है, लिख के दे दूं आपको। ये हालात ये होगा कि वही हालात होने जा रही है, अभी देखा 23 के बाद क्या हालात होती है। क्या ये गठबंधन चल पाएगा आगे भी या? मैं कह रहा हूँ कि 25 के बाद देखो ना इनका क्या हालात होती है। और आज भी अगर सिर्फ ये बता दूं, मोदी गवर्नमेंट को रोकने के लिए जो नापाक गठबंधन इन लोगों का होगा, खाली मोदी जी को, योगी जी को रोकने के लिए, ये तो सारी दुनिया को पता है, पूरी दल इकट्ठे हो रहे हैं हर जगह, इसको हटाओ इसको हटाओ, कौन सा किसका खेत मोती ने काट लिया है कि जी इसको हटाओ। इसलिए देखो सच्चाई में दम होता, मैं ज्यादा ये नहीं जानता हूँ। नेताजी ने तो सदन में ही आप लोग देखे होंगे आशीर्वाद दे दिए मोदी के, जाओ बनो, इससे ज्यादा और क्या है। बेटा कह रहा मायावती करी वो प्राइम मिनिस्टर, नेता कह रहे हैं नेताजी प्राइम मिनिस्टर, इनका आपस का ही झगड़ा ले बैठा इनको। क्या मानते हैं कि फिर मोदी प्राइम मिनिस्टर बनेंगे? ऐसा है भाई, सुनो मेरी बात, सच्चाई तो ये है कि हम प्रगतिशील का है, उसी का वकालत कर सकता हूँ, हमारा नेता बढ़िया लड़ रहा है, इसमें मत घेरो। और सच्चाई पूछोगे तो जोगी मोदी को कोई रोक ही नहीं पाएगा, सच है, जाओ।